किसने तोड़ा? डॉली ने। ये डॉली ने तोड़ा? तुम ना हमेशा ऐसे ही करती हो, बहुत सारी चीजें तोड़ती हो, बोलते डॉली ने तोड़ा। सॉरी मम्मी, मुझे मत मारो। तुम्हें तो ना अभी मुझे चाहिए परी, मुझे? नहीं नहीं, तुमने क्यों फेंका मोबाइल? तुमने क्यों फेंका? तुमने मेरा मोबाइल देखा क्या? नहीं मम्मी। मेरा मोबाइल किसने तोड़ा ये? भाई साहब आइए, आप कैसे हो? बस बढ़िया, आप बोलिए। मम्मी मैंने ड्राइंग बनाई है। वाओ ये बहुत अच्छी है। वाओ परी बेटा, क्या ड्राइंग की है तुमने? मम्मी अपना मैं होमवर्क करती हूँ। ओके ओके, जाओ तुम अपना होमवर्क करो। ओके। आपकी परी बेटी तो बहुत स्मार्ट है और इतनी एक्टिव भी है। हाँ। उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। और हमारे बच्चे देखिए क्या हुआ, उनकी तो स्कूल से एक ही कंप्लेंट आती है कि वो सोते ही रहते हैं और उनके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते और एक्टिविटी तो भूल ही जाइए। आपने परी को ऐसा क्या खिलाया था? हमने उसे कुछ खिलाया पिलाया नहीं, लेकिन आपको पता है कुछ महीने पहले परी की भी सेम कंप्लेंट थी स्कूल से। जी ना, फिर आपने ऐसा क्या अलग किया? हमें पता चला कि बच्चों को अगर अच्छा फिजिकल और मेंटल हेल्थ चाहिए तो उन्हें अच्छी नींद चाहिए। अच्छी नींद चाहिए? हाँ, तो फिर हमने हमारी मैट्रेस को बदला और हमें पता चला वेकफिट के ऑर्थोपेडिक मेमोरी फोम मैट्रेस के बारे में। इसमें अलग क्या है? देखो जो नॉर्मल मैट्रेस होती है ना, उसमें होता है कॉटन। okay. तो कुछ समय के बाद ना पीठ में दर्द चालू हो जाता है और नींद भी अच्छे से नहीं आती। ये हमारी हालत ऐसी ही है। लेकिन जो वेकफिट के मैट्रेस है ना, उसमें है मेमोरी फोम और उसमें है 4 लेयर और हर एक लेयर को उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया है कि आपको बहुत अच्छी नींद आए, आपके बॉडी में पेन ना हो और ये जो मैट्रेस है वो अपने बॉडी के शेप के हिसाब से एडजस्ट भी हो जाती है। इसमें इतने अच्छे फीचर्स हैं तो ये महंगी जरूर होगी। नहीं, बाकी के मैट्रेस से ये बहुत ही सस्ती है और ऊपर से 100 दिन का फ्री ट्रायल भी है। अगर आपको मैट्रेस पसंद नहीं आई तो आप इसे 100 दिन के अंदर रिटर्न कर सकते हो और आपको पूरे पैसे आपके वापस मिलेंगे। ये अच्छा है। और ऊपर से 10 साल की वारंटी है, एक बार खरीदो 10 साल के लिए भूल जाओ। मैं अभी ये मैट्रेस जरूर मंगवाने वाला हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हो परी की तरह एक्टिव और हेल्दी होना तो जाइए अभी से वेकफिट के मैट्रेस ऑर्डर कीजिए। इसकी ऑर्डर करने के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जाइए जल्दी। अरे भाई साहब आइए, चाय पियेंगे आप? क्या चाय पियेंगे, आपके बच्चे कहाँ पे? कितनी कंप्लेंट आ रही है उनकी सोसाइटी से। क्या किया उन्होंने? अरे क्या नहीं किया है, सबको परेशान करके रखा है, सबके घर की कांच फोड़ के रखी है और बच्चों को बिगाड़ के रखा है वो अलग। देखो आप मेरे बच्चों के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते, सबके गाड़ी की हवा निकालते रहते हैं, सबकी साइकिल लेके किधर तो डाल दिया उन लोगों ने, क्या करेंगे उन बच्चों का? तो वो बच्चे हैं तो वो थोड़ी सी शैतानी करेंगे ना। अरे थोड़ी सी करते तो ठीक था, इतनी शैतानी करते है जितना शैतान भी नहीं करता होगा। जल्दी बुलाए उनको। परी सके यहाँ पे। हाँ मम्मी। भैया किधर है? ये देखिए। देखा मैंने बोला था ये ऐसे ही मस्ती करते हैं। अरे ये क्वेश्चन तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूं, किससे पूछूं? मम्मी से, मम्मी को कुछ भी नहीं आता, पापा को टाइम ही नहीं है और क्लास को तो आज छुट्टी है, तो फिर ये इतना होमवर्क तो मेरा रह जाएगा। भैया हाँ। ये क्या है? अरे परी खुद की स्टडी खुद करो ना, मुझे बहुत पढ़ाई है। भैया प्लीज समझाओ ना मुझे। नहीं नहीं परी, नहीं नहीं प्लीज भैया। अच्छा एक ही शर्त पे सिखाऊंगा तुम्हें, मुझे चॉकलेट चाहिए। हाँ
देखो मुझे चॉकलेट देना पड़ेगा। समझा अभी? हाँ भैया। ठीक है तो अभी मुझे दो चॉकलेट दे दो। दो चॉकलेट कैसे? अरे तुमने बोला था ये समझाऊंगा तब मुझे एक चॉकलेट मिलेगा, मैंने तुम्हें ये भी समझा दिया, अभी मुझे दो चॉकलेट चाहिए। भैया मेरे पास तो एक ही है। एक ही है? हाँ एक ही है। ठीक से याद करो, एक ही है तुम्हारे पास? तुम्हारे ड्रॉअर में 5 चॉकलेट पड़े हैं मैंने देख के। अभी मैं लेने वाला हूँ। नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। घरों में मम्मी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। परी आधा घंटा रुको, खाना रेडी हो रहा है। मम्मी मुझे खाना नहीं चाहिए, कुछ स्नैक्स चाहिए। ओके रुको 2 मिनट। हाँ ये लो तुम्हारा स्नैक्स। थैंक यू मम्मी। ज्यादा मत खाना, तुम्हें खाना भी खाना है। ओके। वाव कितना सारा स्नैक्स है। भूख लगी है मम्मी, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। रुको एक मिनट। हाँ मम्मी। हाँ ये लो परी तुम्हारा स्नैक्स और ये लो। अरे मम्मी मुझे इतना सही क्यों दिया? तुमने अभी खाना खाया तो इतना सही खाओ, वो उसने खाना नहीं खाया। अरे परी एक बात सुनो ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा दो ये और ये मुझे दो, बाकी तुम। भैया दो ना मुझे। अरे नहीं परी मुझे चाहिए, मुझे ज्यादा भूख लगी है। मुझे चाहिए। परी तुम्हें मैं आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, तुम्हें पता है? अरे सुनो, तुम्हें पता है तुम्हें कचरे से उठाया था? हाँ तुम हमारे मम्मा पापा की ना रियल बेटी नहीं हो, तुम्हें कचरे से उठाया था। सच में? हाँ। मैं मम्मी से पूछूं? नहीं नहीं नहीं, मम्मी को क्यों पूछ रही हो, मुझे पता है तुम्हें उठाया था कचरे से, ये मैं कहूंगा। भैया देखो क्या बोल रहे, तुम्हें कचरे से उठाया। नहीं 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 मम्मी कुछ नहीं, हम ऐसे ही जोक कर रहे हैं मम्मी। क्या बोल रहे सबके? कुछ नहीं मम्मी। ये ले का ये भी ले, मेरा भी का। ए हमें क्रिकेट खेलने के लिए बॉल चाहिए था। नहीं मिलेगा, वो हम खेल नहीं रहे। मेरा बॉल दो ना। नहीं देंगे। जाओ बताओ। खेलने के लिए बॉल चाहिए था। मिल गया। मुझे बॉल दो मेरा। नहीं देंगे। मेरा बॉल दो। नहीं देंगे। मैं अपने भैया को बुलाऊंगी। ये बुला। भैया। क्या हुआ परी? इन लोग ने ना मेरा बॉल छीना। तुम्हें तकलीफ दे रही है लोग? हाँ। बॉल दो इधर। तेरा बैट दे इधर। चलो परी। डॉली डॉली क्या कर रही हो तुम? खाना खाओगी? कोई भाई बहन होती तो फिर मैं उनके साथ खेलती। भैया कहाँ गए?
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो नीचे जो रेड बटन है उसको क्लिक करके ग्रे कर देना। और हाँ, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आप अब भी जाइए और वेकफिट के मैट्रेस को ऑर्डर कीजिए। उसके ऑर्डर करने के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। मैं आती हूँ एवरी वेडनेसडे एंड संडे, तब तक के लिए बाय बाय। Tell me.